आप देख रहे हैं प्राइम टीवी, सच साहस सरोकार। नमस्कार, उत्तर प्रदेश की खबरों में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अनुष्का सिंह। और चलिए अब रुख कर लेते हैं उत्तर प्रदेश की तमाम बड़ी खबरों की तरफ। पहली खबर फरीदाबाद से सामने आ रही है, जहां पर बल्लभगढ़ में रोडवेज के कर्मचारियों की हड़ताल आज दूसरे दिन भी जारी है। बता दें कि कर्मचारी अपनी मांगों को लेकर हंगामा कर रहे हैं। ट्रेड यूनियन के हवन पर बस डिपो पर कर्मचारियों की हड़ताल जो है वो जारी है। हड़ताल को लेकर रोडवेज यूनियन के प्रधान रविंद्र नगर का कहना है कि हड़ताल का ये दूसरा दिन है और हरियाणा रोडवेज की बल्लभगढ़ डिपो से सभी बसें इस वक्त बंद है। प्रधान का कहना है कि सरकार ने 2018 से उनकी मांगों को पूरा नहीं किया है, जिसको लेकर समय समय पर सरकार को उनके वादे याद दिलाने के लिए विरोध प्रदर्शन किया गया। इसके बावजूद भी सरकार उनकी मांगों को पूरा नहीं कर रही है। कहाँ जाना आपको? पानीपत। कब से बैठे हुए हो आप? हो गए 8 बजे, पापा के साथ आए। तो क्या आपको पता नहीं था कि बस की हड़ताल है 2 दिन की? नहीं। तो आप कैसे जाओगे घर? ताला बसों की तो अभी तो कोई कुछ पता नहीं है। क्या प्राइवेट साधन नहीं है कोई? पता नहीं। बच्चे को लेकर बैठे हुए परेशानी हो रही है? और क्या, परेशानी तो हो ही रही है, बच्चों को भी होगी। हमको पता नहीं था। अब पहुँचे हो तो कैसे जाओगे घर तक? कोई बहाना ही नहीं है। क्या करोगे? क्या करेंगे, प्राइवेट वाले ज़्यादा पैसे ले रहे, प्राइवेट बसें नहीं चल रही। कब से बैठे हुए आप? 8 बजे। 8 बजे से बैठे हो, लेकिन अभी तक कोई साधन नहीं? अभी कोई साधन नहीं। रोडवेज की पूरे हरियाणा में पूरी सफल हड़ताल रही है और हमने जो हमारा लक्ष्य था वो हमारा पूरा है। मैं पर एक बात कहना चाहूँगा हरियाणा की जनता से और फरीदाबाद की जनता से, जो उनको तकलीफ हुई है उसके लिए मैं माफ़ी चाहूँगा। पर बाकी हम चाहते हैं अगली व्यवस्था को कैसे सुधार जाए। किलोमीटर की जो बसें हैं वो किसी को कोई फायदा नहीं पहुंचा रही है। हम चाहते हैं रोडवेज के बेड़े में नई बसें आ जाएं। अगर 14,000 बसें आएंगी तो रोडवेज के लोगों को, आम जनता को रोज़गार भी मिलेगा और रोडवेज जो बेहतर सुविधा देती है जनता को, वो आगे चल के आम जनता तक सुविधा दे पाएगी। 2018 में यहाँ इसी बात को लेकर हड़ताल हुई थी कि सरकार किलोमीटर स्कीम पे लागू करने वाली थी और दूसरा पूरी तरह से बसों को प्राइवेट हाथों में सौंपने की बात कर रही थी। यहाँ लगातार 18 दिन हड़ताल चली और सरकार ने माना कि वाकई में कुछ घपला है, इस पर हम विचार करेंगे। और ये हाई कोर्ट में सरकार चली गई, हाई कोर्ट से भी इनको फटकार लगी और लगभग 700 करोड़ का घपला उसमें इनको नज़र आया। लेकिन इसको ड्रॉप करके बीच में इन्होंने जब ये दोबारा इलेक्शन हुए हैं विधानसभा के, तो इन्होंने फिर अब इस स्कीम को लागू किया है। बस का कंडक्टर एक 10,000 का है, एक 60,000 का है, बस दोनों ने बराबर चलानी है। ये नहीं है कि 10,000 वाला तो ले जाएगा 10 दिन में और 60,000 वाला 6 घंटे में पहुंचा देगा, ऐसा कुछ नहीं है। तो ये जो भेदभाव लड़ाने का सरकार ने खुद कर रखा है। अगली खबर फरुखाबाद से है, जहां कोल्ड ड्रिंक पीने से 3 लोगों की हालत खराब हो गई और बेहोशी की हालत में रात भर पड़े रहे भाई बहन, जिसके बाद परिजनों ने सुबह उन्हें जिला अस्पताल में भर्ती कराया। बता दें कि ये पूरा मामला जहानगंज थाना क्षेत्र के बहोरा गांव का बताया जा रहा है, जहां पर कोल्ड ड्रिंक पीने से कुछ लोगों की हालत खराब हो गई। भैया क्या नाम है आपका? पिंटू। कहाँ रहने वाले हैं? बहोरा। आप ये कैसे बच्चे के मतलब पेप्सी पिए, उसमें ठंडा पीने से ये तकलीफ हुए? क्या हो गया? फूड पॉइजन बताया डॉक्टर साहब ने? क्या बताया डॉक्टर साहब ने? क्या हमको कुछ बताया नहीं, ये तन इंजेक्शन लगाए और क्या है, हम तो बताया ठंडा पीने से, मतलब 5 लोगों ने ठंडा पिया, तीन 2 लोगों ने कुछ नहीं हुआ, हमारे 3 बच्चे मतलब बीमार मतलब बहुत हो गए। मतलब कमाल स्वास्थ्य केंद्र पर जो है कुछ लोगों को लाया गया, क्या दिक्कत हमें, अब कहाँ से ये लोग आए हैं? ये लगभग 8 बजे के आसपास यहाँ 3 लोग एम्बुलेंस द्वारा लाए गए हैं, जिनमें एक का नाम ऋचा, कुमकुम और मिलन करके एक लड़का है, 2 लड़कियाँ हैं। इनको फूड पॉइजनिंग का केस है, गांव में इन्होंने कुछ खाया पिया होगा। तो इनके हालत रहने वाले हैं ये लोग। तो इनकी हालत कैसी इस टाइम है? अभी हालत सही है, जब प्राइमरी ट्रीटमेंट हो गया इनका।
अगली खबर गाजियाबाद से है, जहां गाय तस्करी से जुड़ा मामला सामने आया है, जिसके चलते प्रदर्शनकारियों ने गाजियाबाद शहर और NH9 को गौशाला से जोड़ने वाले रास्ते को जाम कर दिया। गाय उठाने से जुड़ी गाड़ी का वायरल वीडियो भी पुलिस को सौंप दिया गया है। पुलिस के समझाने के बाद भी प्रदर्शनकारी नहीं माने और थाने के बाहर जाकर हंगामा करने लगे। आज हम लोग मौजूद है विजयनगर थाने क्षेत्र में मौजूद है, और वो सिर्फ इसलिए मौजूद है क्योंकि लगातार यहाँ पर गौ हत्या होती है, और जब हम यहाँ पर कार्रवाई की मांग करते हैं तो हमें केवल यह आश्वासन दिया जाता है कि 24 घंटे के अंदर कार्रवाई हो जाएगी, ये हो जाएगा वो जाएगा और कुछ नहीं होता। बाद में हम जाके घर बैठ जाते हैं और ना ये कोई कार्रवाई करते हैं ना संगठन करने देते हैं हमें पीछे से। अब आप क्या चाहते हैं? हम ये चाहते हैं कि यहाँ पर जितने भी हमने ज्ञापन दिए हैं उन सभी पर कार्रवाई हो, उन सभी पर किसी पर मैं कह रहा हूँ कोई कार्रवाई ना, किसी हिंदुओं के लिए जो भी हमने ज्ञापन दिए किसी पर कोई कार्रवाई ना हो, लेकिन जो गायों के लिए हमने ज्ञापन दिए हैं, गाय हमारी माँ है, अगर गाय की ऊपर उंगली किसी ने उठाई तो उसकी उंगली उसका हाथ काटने का हम पूरा प्रबंध करके बैठे हुए हैं और कार्रवाई करने की मांग कर रहे हैं। अभी तक तो केवल हमारी मांग है भैया, लेकिन जब यहाँ से कोई कार्रवाई नहीं होगी तो हमें स्वयं रोड से उतरना पड़ेगा। अगर थाने में अब तक 13 गौ हत्याओं का ज्ञापन दिया जा चुका है, कोई कार्रवाई नहीं हुई है। कल रात में पुनः एक घटना घटी जिसमें गाड़ी में उसी गाड़ी में उठा के ले जाया जा रहा था, वीडियो फुटेज आई है और उसके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं हुई। हमसे बार बार हमें थाने में बुला करके ज्ञापन ले लिया जाता है, अब बात कर पत्र पत्र दिया जाता है। आज SOT साहब को खबर दी गई तो SOT साहब ने क्या किया, दो कांस्टेबल को भेज दिया, वो खानापूर्ति करके चले आए, ना CCTV का फुटेज लिया ना कोई वीडियो की फुटेज लिया। धरना जारी रहेगी तब तक जब तक पिछले 6 महीने के अंदर जो 13 ज्ञापन दिए गए उसके ऊपर क्या कार्रवाई हुई है, ना तो कोई गिरफ्तारी हुई है, और 2-3 गाड़ियां जो कि एक ही नंबर प्लेट से चल रही है, एक बेलेनो, एक सेंट्रो, एक स्कॉर्पियो, वो गाड़ी पकड़ी नहीं गई है। क्या 6 महीने में गाड़ी नहीं पकड़ी जा सकती? सर क्या वजह समझते हैं इसके पीछे की पुलिस काम नहीं? बिल्कुल बिल्कुल। वही लखीमपुर खीरी के नीमगांव कोतवाली पुलिस की लापरवाही सामने आई है। आपको बता दें कि न्याय पाने के लिए पीड़ित दर दर भटक रहा है। दरअसल नीमगांव चौकी बेहजम क्षेत्र में मजदूरी मांगने पर दलित मजदूर की दबंगों ने जमकर पिटाई कर दी। पीड़ित ने कोतवाली और चौकी में तहरीर दी। 3 दिन बीत जाने के बाद भी नीमगांव पुलिस ने इस मामले में कोई भी कार्रवाई नहीं की है। रुपया मांगा गया तो मालूम है। काहे का रुपया? मजदूरी का। अच्छा, या जुआ हुआ खेल रहे थे? जुआ हुआ खेल रहे थे। हाँ, मजदूरी का पैसा मांगने गए। हाँ। तो कहाँ पे मारा है? यहाँ मारने हैं, रोड पर कचरा कढ़ा मारने हैं, दुवारे पर मारने हैं। वहीं बढ़ती महंगाई के बीच मोदी सरकार ने फिर से मुफ्त राशन योजना को 6 महीने बढ़ाकर सितंबर तक जारी रखने का फैसला ले लिया है, और इसी के तहत देश भर में करीब 80 करोड़ राशन कार्ड धारकों को अब सितंबर 2022 तक मुफ्त राशन मिलता रहेगा और 80 करोड़ से ज्यादा लोग पहले की तरह ही इसका लाभ उठा सकेंगे। मुफ्त योजना को लेकर आइए जानते हैं रायबरेली की जनता का क्या कुछ कहना है। बढ़ती महंगाई को देखते हुए मोदी सरकार ने 6 महीने के लिए राशन बढ़ा दिया, यानी सितंबर माह तक के लिए राशन बढ़ा दिया है। आइए जानते हैं, हमारे बीच मौजूद हैं यहाँ पर झिलमिल जी महाराज, जो सुप्रसिद्ध बाबा बालेश्वर मंदिर के पुजारी हैं। आइए इनसे जानना चाहते हैं इनके बारे में कि ये क्या कहना चाहेंगे सरकार के इस योजना के बारे में। ये बड़ी अच्छी स्वर्णिम योजना आ गई है, क्योंकि अभी तक कोरोना महामारी में गरीबों को, असहाय बेसहारा निर्धन लोगों को ये जो राशन मिल रहा था, इससे उनकी आर्थिक स्थिति जो टूट चुकी थी उसमें बहुत कारगर साबित हुई है, और इसको जो बढ़ा दिया है 6 महीने के लिए इन गरीब लोगों के लिए बहुत ही अच्छी योजना है, और हम इसका स्वागत करते हैं, धन्यवाद देना चाहते हैं। ये तो अच्छी योजना है, इससे गरीबों का बहुत बड़ा लाभ हो रहा है, लेकिन दूसरी सबसे बड़ी प्रॉब्लम है जो कि शिक्षा की, जो गरीबों से प्राइवेट स्कूल बहुत नाजायज जो है कि ज़्यादा मात्रा में फीस वसूल रहे हैं, इस पर भी सरकार को सोचने की ज़रूरत है। वहीं अगली खबर रायबरेली से है, जहां पर मनिका रोड पर सीवर टैंक साफ करते समय दो कर्मचारी सीवर टैंक में गिर गए, जिन्हें रेस्क्यू करने में 2 घंटे से ज्यादा का भी वक्त लग गया। दोनों कर्मचारियों को टैंक से निकालकर आनंद फानंद में जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां दोनों युवकों की दर्दनाक मौत हो गई। वहीं इस मौके पर जिलाधिकारी सहित नगर पालिका और पुलिस विभाग के उच्चाधिकारी मौके पर मौजूद रहे। दो बॉडी आई है ब्रॉडेड, एक का नाम संजू है, एक का नाम योगेश है, एक मथुरा वृंदावन का रहने वाला, एक धौलपुर राजस्थान का, और सीवर की खुदाई हो रही थी उसी में जहरीली गैस से। तो जब हॉस्पिटल आए तो दोनों लोग खत्म हो चुके। हाँ, दोनों लोग ब्रॉडेड थे, खत्म हो गए। शुभम, क्या हुआ है पूरा मामला? पूरा मामला जो हुआ था,
गैस में लड़का गया था चैम्बर में नीचे, तो उसको एकदम गैस लगी थी ऊपर, फिर वो बाल कर आया उसमें से, वहाँ पर सर जी थे वो गिर गए थे चैम्बर, वो वाले सर जी ने दोबारा घुसा दिया उसे जबरदस्ती गैस में। नागौर सर, नागौर साहब जो उसमें चैम्बर में, उसमें चैम्बर दूसरे थे, उसने उसे जबरदस्ती घुसा दिया गैस में, घुसा दोबारा कुछ नहीं होगा, फिर उसमें वो घुस गया जबरदस्ती, फिर वो बाल करने की कोशिश करी उसने, तो वहीं गिर गए, फिर ऊपर से जे गए उसे बचाने के लिए, वो भी वहीं पर गिर गए। वही अलीगढ़ के थाना गभाना क्षेत्र में दो पक्षों में गाली गलौज के साथ मारपीट हो गई, जिसमें एक पक्ष के 8 लोग घायल हो गए। वहीं दूसरा पक्ष मारपीट के बाद गांव से भाग गया, जिसकी सूचना मिलते ही मौके पर पहुंची भारी पुलिस फोर्स ने घायलों को तत्काल अस्पताल में भर्ती कराया, जिसके बाद घायलों की ओर से 7 लोगों के खिलाफ तहरीर दी गई है। वही इस पूरी घटना के बाद पुलिस ने बताया कि दोनों पक्षों में मामूली विवाद पर मारपीट हुई थी, जबकि दूसरा पक्ष मौके से फरार बताया जा रहा है और आरोपियों की तलाश जारी है। राजू के नाम से हम जानते हैं, वैसे राजुद्दीन नाम है। कहाँ रहते हो? भाकरी खास थाना गवाना। अच्छा, ये मामला क्या हुआ है, हुआ क्या था? झगड़ा नहीं हुआ था, कल हमारे यहाँ एक हाथीची बुला रखे थे अपने, और ये नमाज नहीं, नमाज भी मना कर रहे थे कि ये हाथीची नमाज और कुरान नहीं पढ़ाएंगे। कहाँ पर नहीं पढ़ाएंगे? गाँव भाकरी में तुम्हारे बच्चों को। अच्छा, तो मदरसे में पढ़ाते आपके घर में? नहीं, हमने कमरा दे रखा था पढ़ाने के। अच्छा अच्छा, तो कौन लोग हैं, किन्होंने मारा पीटी करी है? कौन लोग हैं? वही हैं बदतरफ कराने वाले, हिंदू मुसलमान का रंग दे के जो अपना मारपीट कर गए। तो वहाँ पे पथराव वगैरह भी हुआ? पथराव वगैरह हुआ, सारे लोग पता ही नहीं पड़ रही, इतनी भीड़ आ गई सर। कितने लोग घायल हुए होंगे आपकी तरफ से? हमारे 8-10 लोग घायल हुए। कोई मेडिकल में भी है? मेडिकल में रेफर हुआ है एक आदमी। कौन है, क्या नाम है उसका? अली। तो किस चीज़ से मारा है ये? अब ये पता नहीं है सर, डंडे और वगैरह रोड वगैरह थी हाथों में, पाइप वगैरह। अगली खबर बलिया से है, जहां पर दिल दहला देने वाला हादसा सामने आया है। आपको बता दें कि बेलतरा मार्ग पर स्थित नवरत्नपुर चट्टी के पास ट्रक की चपेट में आने से एक ही परिवार के 3 लोगों की दर्दनाक मौत हो गई। बता दें कि मृतकों में 5 साल का एक बच्चा भी शामिल है। वहीं सूचना पर पहुंची पुलिस ने 3 शवों को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। अगली खबर देवरिया से है, जहां पर पुलिस ने कच्ची अवैध शराब के विरुद्ध बड़ी कार्रवाई की है और भारी मात्रा में अवैध शराब को बरामद किया है। इस दौरान पुलिस ने कुल 830 लीटर अवैध कच्ची शराब को बरामद किया और लगभग 50 कुंतल लहन नष्ट कर 65 अभियुक्तों को इस पूरे मामले में गिरफ्तार किया है। जी ससरा वाला जनपद देवरिया पुलिस ने पिछले 24 घंटे में शराब के विरुद्ध एक व्यापक अभियान चलाया था, जिसमें 65 मुकदमे कायम हुए हैं, 68 अभियुक्तों की गिरफ्तारी हुई है और लगभग 750 लीटर से ज़्यादा देशी शराब बरामद हुई है, 40 कुंतल से ज़्यादा लहन नष्ट हुई है और ये व्यापक कार्रवाई पूरे जनपद में पुलिस द्वारा कराई गई है। वहीं कन्नौज में छिबरामऊ नगर पालिका परिषद के चेयरमैन राजीव दुबे ने सभागार में एक बैठक को आयोजित किया। इस बैठक में चेयरमैन राजीव दुबे ने कहा कि संचारी रोग नियंत्रण अभियान 2 से 30 अप्रैल तक जारी रहेगा। इस दौरान राजीव दुबे ने कहा कि इस वार्ड के लिए माइक्रो प्लान को तैयार किया गया है, साथ ही साफ सफाई के अलावा एंटी लार्वा का छिड़काव भी कराया जाएगा। वहीं अगर कोई कर्मचारी लापरवाही करता नजर आया तो उसके ऊपर कार्रवाई की जाएगी। नगर पालिका में विशेष संचारी रोग नियंत्रण अभियान एक चलाने के लिए आगे भविष्य में 2 अप्रैल से 30 अप्रैल तक एक लगातार चला करके रोगों पर नियंत्रण, जो कि बहुत सारे जो अभी इस समय आपने देखा होगा मौसम बदल रहा है, उसकी वजह से मच्छर बहुत ज़्यादा उत्पन्न हो रहे हैं, बहुत सारी बीमारियां आ रही हैं, बुखार आ रहे हैं, मलेरिया वगैरह, ये कहीं कुछ आगे आए उससे पहले ही एक तैयारी के तहत एक मीटिंग करी गई थी, जिसमें विशेष रूप से जल निकासी और सफाई पर जोर दिया जाएगा, साथ साथ में पेयजल की व्यवस्था पर भी व्यवस्था करी जाएगी और इस तरीके से कोशिश की जाएगी कि आगे कोई विशेष कोई समस्या आए उससे पहले ही कंट्रोल किया जा सके।
अगली खबर कानपुर से है, जहां पर गंगा बैराज से बिठू रोड पर चेकिंग के समय एक मोटरसाइकिल पर सवार दो व्यक्ति आते दिखे, जिन्हें रोका गया तो मोटरसाइकिल न रोकते हुए भागने का प्रयास करने लगे। वहीं पुलिस ने जब उनका पीछा किया तो बदमाशों ने पुलिस पर फायरिंग करना शुरू कर दिया, जिसके बाद पुलिस ने आत्मरक्षा में एक गोली चलाई। इस दौरान बदमाश के पैर में गोली लग गई और वो मौके पर गिर गया, जिसके बाद बदमाशों के पास से अवैध हथियारों को बरामद किया गया। बता दें कि घायल बदमाशों के उपचार के लिए पुलिस ने हैलेट अस्पताल में भर्ती कराया है। और इसी के साथ उत्तर प्रदेश की खबरों में फिलहाल इतना ही। देश दुनिया की बाकी की तमाम खबरों के लिए आप बने रहिए प्राइम टीवी के साथ। नमस्कार। कुछ बाल पुष्प आप देख रहे हैं प्राइम टीवी, सच साहस सरोकार।